सारे अभी माउंट आबू आए हैं और स्कूल की तरफ से ट्रिप पे, तो ये माउंट आबू का लोकेशन है जहाँ आप लोग भी आए हैं इंटरव्यू लेने। अच्छा, तो स्कूल की तरफ से है लेकिन यहाँ पर मतलब झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कुछ होना कुछ और चाहिए था यार। एक शर्ट चल रही है मेरी कुछ एक महीने से कि अगर मैंने नैना को आई लव यू नहीं बोल पाया तो मैं अपने बाल काटूंगा, तो उस शर्ट को लेके कुछ राइवल बॉयज़ जो हैं जो हमारे शो में नेगेटिव हैं, नेगेटिव नहीं है मतलब ऑफकोर्स 11th क्लास में हमें तो नेगेटिव तो नहीं होता, बट हाँ उनसे मेरी बनती नहीं है तो उनसे मेरा झगड़ा होता है कुछ बात को लेके, शर्ट को लेके, शर्ट को लेके। मतलब अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं वो शर्ट पूरी करूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा है कि नैना एक अच्छी लड़की है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको झूठ मूठ में कुछ ऐसा करवाऊँ जिससे उसको प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो झड़ाई। इतना झगड़ा मतलब इतना गुस्सा आ गया समझ को कि आपने वो पूल में ही फेंक दिया उसको, एक हाँ दो पानी में गिरा दिया। मैं हर चीज़ एक्सटेंड में करता हूँ, गुस्सा हो, प्यार हो, दोस्ती हो, हर चीज़ एक अलग लेवल पे करता हूँ, तो इसलिए शायद जो मेरा कैरेक्टर है दोस्ती भी खुल के, दुश्मनी भी खुल के और प्यार भी खुल के,
तो इसीलिए वो एंगर उतना है। तो समीर आपके टीचर्स ने भी देखा शायद, पर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया? नहीं यहाँ पे टीचर्स नहीं, ऑफकोर्स उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है, जो हमारे डायरेक्टर ने उसका ध्यान रखा है। यहाँ टीचर नहीं है, जहाँ पे ये लड़ाई का सीक्वेंस हुआ है वहाँ टीचर नहीं है। तो समीर जब नैना को मालूम पड़ेगा कि आपने ये सब चीज़ों को लेके इतना गुस्से में आपने झगड़ा वगैरह कर लिया यहीं पर ही, दो ये वो सीन में नहीं है, जब आगे उनको मालूम पड़ेगा तो आई डोंट नो उसके रिएक्शंस के बारे में, बट जो भी होगा जेन्युइन ही होगा, जो उन दिनों में लड़कियां जैसे रिएक्ट करती होंगी लड़ाई झगड़े और सबको। और नैना को कहीं ना कहीं पता है क्योंकि उसके सामने भी कई बार लड़ चुका हूं मैं, बट उसको ये बात भी पता है कि मैं उतना बुरा इंसान नहीं हूं। तो आई डोंट नो वो रिएक्ट कैसे करेगी इस लड़ाई को लेके। लड़ाइयाँ तो मेरी बहुत हुई हैं, सिगरेट पीते भी देखा है उसने, लड़ते भी देखा है, बदतमीजी करते हुए देखा है, तो पर उसको पता है कि मैं उतना बुरा इंसान नहीं हूँ। ओके, लास्ट समीर ने रणदीप से पूछेंगे ये थोड़ा छोटा मोटा जो फाइट सीन है वो कितना एंजॉय किया आपने? यार मुझे ना एज एन हर एक्टर के एक बेस्ट पार्ट होता है एक वर्स्ट पार्ट होता है, तो ये जो फाइटिंग सीक्वेंस होते हैं एक्शन सीक्वेंस होते हैं वो मेरा बेस्ट पार्ट है, मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। वैसे मैं बीमार हूँ अभी 2-3 दिन से वेदर की वजह से, बट स्टिल मैंने अपना 100% दिया एंड आई होप वो अच्छा निकल के आए। थैंक यू सो मच।